तो मिलम इन में छूटा है, मिलम इन में ही छूटा है मुझे लगता है। चल कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे जो ट्रैवल ब्लॉग्स हैं उत्तराखंड के, वो आपने ज़रूर देखे होंगे, जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली मैंने विज़िट किया। उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वो मैंने विज़िट किया इस बार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। मज़ा आया हम लोग को वहाँ पर गाड़ी चला करके। जो भी हम देख पाए वो बहुत सुंदर था। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखना है, आप मेरे जो वीडियोज़ हैं वो जाके ज़रूर देखें और उनको लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ में शेयर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ उन पर अपना कमेंट करें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो अगर आपने मेरे वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो चश्मा था मेरा, ये कहीं छूट गया या शायद कहीं खो गया। क्योंकि जब हम लोग प्लेन्स में आए, तो जैसे ही प्लेन्स में आए मौसम बहुत बदल चुका था, बादल सामने से हट चुके थे। और अरे यार, नुकसान हो गया भाई, 8,000 रुपये का चश्मा छूट गया कहीं। तो मिलम इन में छूटा है, मिलम इन में ही छूटा है मुझे लगता है। चल कोई नहीं, छूट गया, अब क्या कर सकते हैं। सामने थी कड़क धूप। अब जैसे ही आँखों पर कड़क धूप पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चश्मा कहाँ है। और जब मैंने अपना चश्मा ढूंढा तो मुझे अपना चश्मा कहीं नहीं मिला। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना चश्मा कहीं भूल गया हूँ, कहीं छूट गया है। जब मैं घर आया, घर आके बाद जब मैंने सारे कपड़े निकाले तो उसमें एक जैकेट थी। तो मुंशियारी में मैंने वो जैकेट पहनी थी और उसमें मैं अपना चश्मा छोड़ दिया था। तो वो मेरे बैग में था जो मुझे घर पे आके मिला। थैंक गॉड ये चश्मा मुझे मिल गया, क्योंकि वैसे तो ये चश्मा काफ़ी पुराना हो चुका है, इतना मोह नहीं है इस चश्मे से। पर फिर भी क्योंकि काफ़ी महंगा था जब ख़रीदा था तो थोड़ा सा लगाव बना रहता है। भले ख़राब है पर घर पे रहे तो अच्छा है। तो एक चीज़ और, अभी इस उत्तराखंड टूर में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही ज़्यादा, और वो चीज़ ये थी कि हम लोग खूब भीगे हम लोग बारिश में। हम लोग लगभग 6 दिन का हमारा ट्रिप था, जिसमें से 4 दिन हम लोग खूब भीगे, दिन भर भीगे हैं और भीगते भीगते गाड़ियाँ खूब चलाई हैं। और आपको एक राज की बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मानसून में पहाड़ों पर मत जाओ। ठीक है, वैलिड रीज़न है, लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, बारिशें जो पहाड़ों पर होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूँगा। जब हम लोग पहाड़ों पे राइड कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, कोई डर नहीं लग रहा था। हाँ, पहाड़ खिसक गया, बादल फट गया, एक अलग कहानी है, एक अलग घटना है। पर एक ऐसे बादलों को, बारिश को देख के ड्राइव करना, उसमें हमें डर नहीं महसूस हो रहा था। पर जैसे ही हम प्लेन्स में आए, जैसे काठगोदाम पहुँच रहे थे, बराबर बारिश हो रही थी। धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़े, बीच बीच में हमें बारिश मिलती रही। मुरादाबाद के बाद हमें बहुत कस के बारिश मिली। हम लोग आखिर के 100 किलोमीटर पूरा भीगते भीगते आए। पर जो प्लेन्स में जब हम गाड़ी चलाते हैं उसमें ज़्यादा खतरा है, लाइफ को रिस्क है। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है पहाड़ों पर, जब हम दूर अंदरूनी पहाड़ों पर जैसे मुंशियारी, तो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। जब बारिश होती है लोग अपने घर के अंदर होते हैं, सड़कों पर भी इतना कोई ट्रक या ट्रैफिक या गाड़ी मोटर बाइक इतना सब नहीं दिखता है। पर जैसे ही हम प्लेन्स में होते हैं, एक तो पहला चीज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। प्लेन्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है। जगह जगह पानी भर जाता है, पानी के नीचे गड्ढा है, सड़क है, नाली है, हमें नहीं पता होता है। ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पो कार बाइक हर चीज़। जो हमारा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा कि हम पहाड़ों पर अपने आप को ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू जब हम प्लेन्स पे गाड़ी चला रहे थे। क्योंकि प्लेन्स पे गाड़ी चलाते वक्त हमें थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा था कि, तो अगर मैं कहूँगा कि अगर आप मानसून में कुछ करते हैं तो प्लेन्स पे ज़्यादा सतर्क रहें। पहाड़ों पे तो अगर हम सतर्क भी रहेंगे तो भी शायद हम अपने आप को ना बचा पाए अगर कोई आपदा आती है, जैसे कि पहाड़ का टूटना या बादल का फटना। उस पर तो कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाएगा और पहाड़ सही थी नीचे आएगा। तो काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन हम लोगों ने कवर करी, जैसे कि मुंशियारी है, अल्मोड़ा और कौसानी, मुक्तेश्वर। तो ये ऐसी कुछ जगह थी जो कि, जैसे कि कौसानी है, अल्मोड़ा है, ये तो काफ़ी सारे लोग जाते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है लोगों के बीच में। पर मुक्तेश्वर,
और मुंशियारी, ये थोड़ा सा ऑफ बीट पड़ता है, काफ़ी कम लोग जाते हैं। और मुंशियारी तो खासकर जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं, हिमालयाज में या ऊंचे पहाड़ों तक जाना चाहते हैं ट्रैक करके, उनके लिए मुंशियारी एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर आप मुंशियारी कभी जाते हैं तो वहाँ से आप दूर तक के ट्रैक कर सकते हैं, जो फिलहाल हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दी मानसून। पर जो हमारे मज़े रहे वो हमारे राइड के मज़े रहे। तो हमने जो गाड़ी चलाई पहाड़ों पर वो सबसे अमेजिंग पार्ट था, वो सबसे अच्छा पार्ट था, और बहुत मज़ा आया मुझे भी। वेद जो मेरा दोस्त गया था उसे भी बहुत मज़ा आया। उसका पहला ट्रिप था तो थोड़ा सा थक गया, पर जो एक्साइटमेंट था, जो एंजॉयमेंट था, वो उस थकान से ज़्यादा अच्छा था। और कोशिश करेंगे कि फिर जल्दी ही एक नया ट्रिप बनाए किसी नई डेस्टिनेशन पर। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।